नमस्ते। चलिए आज मेरे साथ में मैं आज आपको लेके जाऊंगा तुरा ठाकुर बाड़ी, जो तुरा टाउन में पड़ता है, जहाँ पे मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कारण 22 तारीख से प्राण प्रतिष्ठा शुरू होगा। जैसे हमारा अयोध्या के राम मंदिर 22 तारीख को हुआ था, तो ये 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के साथ, उस प्राण प्रतिष्ठा के कारण उस मंदिर में आज 5 लोगों को शादी करवाया गया है। जो लोग थोड़ा गरीब है, जो लोग शादी के लिए सब एक्सपेंसेस नहीं कर पाता है, मंदिर की तरफ से 5 शादी करवाया गया है। उन शादी के जो कपल है, कपल को जो जरूरत का सामान है वो सब कुछ दिया गया है। राइट, करीब 2000 लोगों को भोजन करवाया गया है मंदिर की तरफ से। चलिए मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ। ये मंदिर में आज 5 शादी करवाया गया है। ठीक है, अभी आप मंदिर देखिए, मैं आपको सामने शादी किया हुआ जो कपल है, कपल से मिलाएंगे और उनसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। ये जो मंदिर है, ये वेस्ट गारोइस तुरा में पड़ता है, तुरा टाउन में ही ठाकुरबाड़ी बोल के पड़ता है, कोई भी बोलने से पहचानेगा। बहुत ही अच्छा मंदिर है। आप लोग आए तो, आप लोग वेस्ट गारोइस तुरा का है तो ज़रूर जाइए। 22 तारीख को इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, मैं खुद जाऊँगा, और आज का दिन तो बहुत अच्छा है। कंग्रेचुलेशंस। अच्छा, थोड़ा बताइए तो, आज इसी हिसाब से आप शादी करके कैसा लग रहा है आप दोनों को? अच्छा लग। क्या नाम है आपका? रतन कुमार। आपका भाभी जी? ओके, राइट। एक साथ शादी करके आप लोग का जो वैवाहिक जीवन है वो सुखी हो, ब्लेस करते हैं भगवान आपको, प्रे करे। आप क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए ऐसा शादी करके? भाभी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, थैंक यू सो मच। आइए, एक्सक्यूज मी, कंग्रेचुलेशंस। राइट, उस साइड में थोड़ा बात कर लेते। राइट, हम लोग चैनल से है। ओके, आप लोग आज शादी किया, कैसा लग रहा है आप लोगों को शादी करके? अच्छा लग रहा है। राइट, वैवाहिक जीवन आप लोग का सुखी हो, भगवान आप लोग को ब्लेस करे, हम चाहे। राइट, बाकी सब लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? चलिए, राइट, आप लोग का वैवाहिक जीवन सुखी हो, आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। आइए, क्या कहना चाहेंगे शादी के बारे में? आप भी शादी करने वाले हैं ना, कैसा लग रहा है? आपकी बहन है। चलिए, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। आइए। अच्छा, आप लोग थोड़ा बताइए कि सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस। आप दोनों शादी के बारे में क्या कहेंगे? शादी करके कैसा लग रहा है? आपका शुभ नाम क्या है? दिनेश बासपाल। आपका? ओके, इस हिसाब से शादी करके बहुत अच्छा लग रहा है, इतना लोग का ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं। चलिए, आप लोग का वैवाहिक जीवन सुखी हो, कंग्रेचुलेशंस। गॉड ब्लेस यू बोथ, वेलकम। कंग्रेचुलेशन टू मैरिड लाइफ। ओके, क्या नाम है आपका? ओके, आपका? चलिए, इतना लोगों के साथ में शादी करके कैसा लग रहा है? कंग्रेचुलेशंस, आप लोग का शादी वैवाहिक जीवन अच्छा हो। मैनी कंग्रेचुलेशंस। ओके, कंग्रेचुलेशंस, आप लोग का वैवाहिक जीवन अच्छा हो, गॉड ब्लेस यू। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? विजय। आपका? ओके, शादी करके आज मतलब वैवाहिक जीवन में पार कर टच कर लिया, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, इतना लोगों के सामने मंदिर में शादी करके अच्छा लग रहा है, इतना लोगों का ब्लेसिंग्स मिल रहा है, वेरी नाइस। कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। अभी वर एंड वधू को बेटा के खाना खिलाया जा रहा है मंदिर की तरफ से, एंड बहुत ही अच्छा है। 5 वर वधू एक साथ में बैठ के खाना खा रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। राइट, एंड वर वधू के साथ में जो रिलेटिव्स या काजिन आया है मंदिर की तरफ से, उन सबको भी खाना खिलाया जा रहा है। करीब करीब 2000 लोग हैं, 2000 पीपल होंगे, सब मिल के एक साथ में, ये देखिए लाइन लग के सबको खाना खिलाया जा रहा है। मैं भी खाऊंगा थोड़ी देर बाद में, मैं अभी आया हूँ। राइट, तो फिर देखते। ये मंदिर का है। राइट,
थैंक यू दादा। बताइए मतलब ये जो आज आप लोग अपने पास शादी किया, किस रीजन से, किस हिसाब से आप लोगों ने किया, आप लोगों का मंदिर की तरफ? हम लोग का मंदिर का ये प्राण प्रतिष्ठा, हम लोग 10 नया मूर्ति स्थापित करेंगे, उसके लिए हम लोग प्राण प्रतिष्ठा का चल रहा है 18 तारीख से 22 तारीख तक। तो आज के दिन में हम लोग मास मैरिज जो समूह विवाह बोलते हैं वो किए थे, तो 5 कपल आया था, 5 कपल का हम लोगों ने विवाह किया। इससे पहले भी हम लोग इस तरह का ऑर्गेनाइज कर चुके हैं मास मैरिज का, और हम लोग कोशिश करते हैं कि हर साल हम लोग अगर पॉसिबल हो तो हर साल हम लोग इस तरह का एक ऑर्गेनाइज करें इस तरह का प्रोग्राम, जिससे जो निधि जो जिसको ज़रूरत है, जो निधि जो नहीं कर पाते हैं, शादी में दिक्कत होती है, उपरे उपरे देख रहे हैं, तो किसी तरह का जैसे फाइनेंशियली जो सपोर्ट नहीं मिलता है वो हम लोग अपनी तरफ से फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, उनका शादी कराते हैं, और एक घर चलाने के लिए जो एक ज़रूरत का सामान है तो साथ में हम लोग उनको एज ए गिफ्ट उनको देते हैं, न्यूली जो कपल जो है उनको हम लोग देते हैं। इस तरह से हम लोग का प्लान है कि हर साल इस तरह से अगर हम लोग ऑर्गेनाइज कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए, आगे के लिए भी हम लोग प्लान करें कि हर साल इस तरह से ऑर्गेनाइज करें। लेकिन ये जो अभी है हम लोग का प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष में हम लोग एक एडिशनल ये एक इवेंट रखे थे कि मास मैरिज हम लोग ये ऑर्गेनाइज, ये बहुत ही सुंदर तरीका से सक्सेस हो गया, और बाकी हम करीब 2000 आए होंगे यहाँ में, पॉपुलेशन आया होगा शायद, अनुमान से मैं बोल रहा हूँ, हमारा एमपी भी आई थी पूरा के एमपी, वो भी इसमें पार्टिसिपेट किया, अभी हो गई, अभी बाकी बारातियों का जो यहाँ जो पब्लिक है उनका खाना चल रहा है, देख सकते हैं इसे। राइट, अब मैंने देखा है, राइट, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत अच्छे काम करिए, आगे करते रहिए, गॉड ब्लेस यू, ये मंदिर और आगे बढ़े, मंदिर का नाम, थैंक यू। 10 साल पुराना है, इसके अंदर कंटिन्यू डेवलपमेंट हुआ है, होता रहा है, लेकिन अभी जैसे हम लोग पहले हम लोगों के यहाँ पे 4 मंदिर था, अभी हम लोग 10 मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा और करवा रहे हैं, तो टोटल 14 मंदिर हो जाएगा। तो ये अभी प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम चल रहा है 5 दिन का, जो 18 तारीख को स्टार्ट हुआ, 22 तारीख को संपन्न हुआ। जनवरी 22 तारीख को अयोध्या के अंदर रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, फरवरी 22 तारीख को पूरा के अंदर भरोगी का रामलला का। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात है। मंदिर के अंदर में जैसे अपने जो रिलीजियस एक्टिविटीज है वो सारा कुछ तो होना ही चाहिए, हो रहा है, जिससे इंसान के अंदर एक स्पिरिचुअलिटी, मेंटल पीस वो सब रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी जो कमेटी है वो सोसाइटी के लिए भी काफ़ी काम कर रही है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा दिक्कत था, ज़मीन थी हम लोगों के पास लेकिन पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन अभी पिछले 4 सालों से हम लोगों ने काफ़ी काम करवाया है, जिसके अंदर हम लोगों के जो पुजारियों के लिए रूम की कमी थी, उसके लिए हम लोगों का हमारे जो सीनियर सर है उन्होंने पैसा अलॉट किया था हॉस्टल बिल्डिंग के लिए, तो उसके नीचे करीब 9 कमरे बने हुए हैं, इसके ऊपर ये अन्नपूर्णा हॉल, ये हमारे पूरा के कानदाता है उन लोगों के सहयोग से बना, सब लोगों ने हम लोगों के ऊपर हमारी कमेटी पर पूरा विश्वास किया और दिल खोल के सब लोगों ने मदद की। इसके साथ साथ इसके पास किचन बनी है जो प्योर वेजिटेरियन किचन है, कोई इसके ऊपर एक और हॉल बना है, हॉल का नाम दिया हम लोगों ने अन्नपूर्णा हॉल, अन्नपूर्णा हॉल, इसके ऊपर एक और हॉल बना है जिसका उद्घाटन आज एक मैडम आगाथा ने किया था, वो हो गया सत्संग भवन। यदि यहाँ पूरा में सबके घर छोटे छोटे तो कहीं पर कोई सत्संग वगैरह कुछ करना होता है तो वो यहाँ आके आराम से सत्संग कर सकते हैं, उसके बाद यदि कुछ खाने का प्रोग्राम करना चाहिए, भंडारा करना चाहते हैं, इस हॉल के अंदर कर सकते हैं। इसके साथ हम लोगों के साइड के अंदर एक कम्युनिटी हॉल बनाया जहाँ पे अभी शादी हुई थी, वो पहले एमपी फंड से हम लोगों को 22 लाख रुपये मिले थे, उससे आधा कम्प्लीट हुआ था, अभी आधा हम लोगों ने जो बाजार के दानदाता हैं हम लोगों को हिंदू समाज के उन लोगों ने सबसे मदद और 3500 का कंस्ट्रक्शन और करवाया, तो सारा करवाने के बाद ये हॉल बन गया है। कम्युनिटी हॉल हमारा 5500 स्क्वायर फीट का, जो हम लोगों के साइड बाजार एरिया के अंदर या हम लोग के आसपास और कोई कुछ भी नहीं, इतना बड़ा नहीं है, मतलब हमारे समाज के बहुत काम आ सकता है, शादियों वगैरह में या कोई और फंक्शन धार्मिक कोई आयोजन करना हो या फिर सब कोई एक्टिविटीज करनी हो। अभी हम लोगों ने जैसे 10 तारीख को एक ब्लड डोनेशन कैंप किया, इसके अंदर करीब 15 यूनिट ब्लड, इसके अलावा हम लोग जैसे आई डोनेशन पेज के ऊपर में भी काम करें, जिसमें अभी प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर करीब 57 लोगों ने आई डोनेशन के लिए पेज किया है, बॉडी डोनेशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं, उसमें जैसे शुरुआत मेरे अपने परिवार से हुई थी, आज से 4 साल पहले मेरे पापा की डेथ हो गई थी, उन्होंने अपनी बॉडी डोनेट की करने के लिए बोल के गए थे, तो उनकी विश पूरी करने के लिए हम लोगों ने नियरेस्ट जो मेडिकल कॉलेज था वहाँ पे उनकी बॉडी डोनेट की, और उस चीज़ से हम लोग प्रेरित हो गए, जैसे मैंने भी अपनी बॉडी डोनेट की, मेरी
वाइफ ने भी बोर्डिंग कॉलेज की है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं, अभी प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम के ऊपर करीब 500 के प्लांट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सभी से रिक्वेस्ट करेंगे सब जाके अपने घर पे या आसपास कहीं पे भी लगाएं, क्योंकि जब फल हल होगा किसी न किसी का नसीब नहीं आएगा। आज जैसे मैं मैडम आगा था, सभी बात कर रहा था कि हम लोग सपोर्ट मिले, तो हम लोग चाहते हैं कि पूरा के आस पास जहाँ खुली जगह है वहाँ पर कम से कम फ्रूट्स के प्लांट लगा दिए जाए, जिससे कि 2-5 सालों के अंदर प्लांट फ्रूट देने लग जाते हैं। जो भी नदी से गिरेगा, मैडम को भी आइडिया काफ़ी अच्छी लगी, उन्होंने जैसे प्रोजेक्ट बना के सबमिट करने के लिए कहा। इस टाइप के मतलब सोसाइटी के लिए हमारी कमेटी काफ़ी काम कर रही है, और मैं पूरा और पूरा के जितने हमारे हिंदू समाज के भाई हैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरा ठाकुरबाड़ी सबकी है, सबको यहाँ आना है। बहुत एनर्जेटिक मंदिर है और यहाँ अलग अलग जैसे अभी एक हर संडे को हम लोगों ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया कीर्तन का। अच्छा, जो अभी प्राण प्रतिष्ठा की बात चाहूँगा, जिसमें टूरा के अंदर अलग अलग एरिया के अंदर कीर्तन मंडली है, उन लोगों से रिक्वेस्ट की गई है कि आप एक एक सैटरडे के दिन आप लोग आके कीर्तन करें, क्योंकि किसी भी मंदिर के अंदर इस पर कोई भी रिलीजियस फंक्शन कीर्तन वगैरह होता है तो इसके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है। वो ऊर्जा पूरे शहर को हर इंसान के ऊपर उसका बहुत बड़ा प्रभाव है, और उससे एक दूसरे से जुड़ने का भी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। राइट, एंड सर आपने जो बोला बॉडी डोनेट से, मतलब क्या बॉडी डोनेट किया सर आपने? बॉडी डोनेशन में होता है कि एक्चुअली दो तरीके से होता है, यदि ब्रेन डेथ होता है तब तो क्या ऑर्गन डोनेट होता है, ऑर्गन डोनेट के अंदर में किडनी स्किन काफ़ी कुछ होता है, मैंने एक इंसान 8 आदमी को जिला सकता है। जिला सर, आपने क्या डोनेट किया सर? तो जैसे मेरी माँ की डेथ हुई तो माँ ने आई डोनेट किया। ओके, आई डोनेट करने के बाद हम लोगों की फैमिली के अंदर कंटिन्यू, उसके बाद जो भी डेथ हुई परिवार के अंदर सब लोगों ने आई डोनेट किया। एक इंसान जब दो आई डोनेट करता है तो दो जिंदगी को रोशन करता है, और ये जिसके से मेरे को समझ में कि मेरा एक दोस्त था उसको कहा कि आप मरने के बाद भी दुनिया देखना चाहते हैं, कैसे पॉसिबल है? उसने कहा कि आप आई डोनेट करो, आई डोनेट करोगे तो आप मरने के बाद भी किसी और के आंखों से शरीर से जहाँ पे वो प्लांट होगा वहाँ से आप देख सकते हो, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जैसे मेरी माँ ने डोनेट की, पापा ने अपनी बॉडी डोनेट की। बॉडी में क्या होता है कि एक्चुअली मेडिकल कॉलेज में जाती है, जिसमें मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को एक्चुअली प्रैक्टिकल करने के लिए बॉडी चाहिए होती है, तो उसकी इंडिया के अंदर जितनी मेडिकल कॉलेज सप्लाई बहुत कम रहती है, क्योंकि अभी लोगों के इतनी जागरूकता आई नहीं है। क्योंकि जब हम लोगों के पापा ने ये डिसीजन लिया तो हम लोग भी एक बार तो हिल गए, मतलब ये बहुत बड़ा डिसीजन था, और स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि हम लोगों में हिंदू समाज के अंदर में ये है कि जब तक अग्नि माँ पिताजी को नहीं दी जाए तब तक उनके ऋण से मुक्त नहीं होते। तो देखा जाए तो मेरे ऊपर तो ऋण रहेगी एक टाइप का, लेकिन उनकी एक इच्छा थी उसको भी उनको हम लोगों ने पूरा किया। तो उसके बाद अभी जैसे मैं वो करने के बाद मैंने देखा कि मेरे परिवार में काफ़ी लोग सब फोन करके पूछते थे उनको कि बॉडी डोनेट तो करती है वो वापस कब मिलेगी, उसका दान संस्कार कब होगा। तो फिर हम लोगों ने एक वेबसाइट लॉन्च की, मैंने जो है www.savingsoul.com savingsoul.com। तो उसके अंदर में क्या है कि बॉडी डोनेशन के बारे में, ऑर्गन डोनेशन के बारे में सारी जानकारी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं सर। आज आप लोगों ने 5-5 शादी किया, राइट, बहुत अच्छे है, भगवान आप लोग। सर ने आपको बताया कि ये जो सर लोग इस मंदिर के लिए क्या क्या करता है ये सारा चीज़ें, इसके साथ में पूरा फैमिली में आई डोनेट करते हैं, ठीक है, एंड उसके साथ में www.savingsoul.com बोल के जानकारियाँ है, अगर आप कुछ हेल्प चाहिए तो आप ले सकता है। इसके साथ में सर का जो लड़का है, राइट, वो भी बहुत अच्छा है एंड वो भी इसी काम करता है। चलिए मैं आपसे मिलाते हैं सर का जो लड़का है, राइट। तो ये सर था जो प्रदीप बंसली सर था, सर का ही बेटा है, राइट, वहाँ सर से भी बड़ा हो गया। एंड सर ने आपको बताया कि सर का जो फैमिली था पूरा कैसे डोनेट करते हैं एंड इस मंदिर के बारे में क्या क्या किया, आज 5 कापुर को साधु किया, बट सर का ही बेटा जो है, राइट, उनका नाम और ये जो भैया है, भैया भी इस बारे में प्रॉपर काम करते, तो भैया खुद बताएंगे क्या करते हैं। छोटी सी चीज़ है लेकिन अपने आम आदमी के बाल टूटते हैं तो हम लोगों को कॉन्फिडेंस छूटने लगता है, कैंसर के ट्रीटमेंट
ये डोनेट बाल जो डोनेट होंगे कम से कम 12 इंच के बाल डोनेट होंगे, इनकी विग बनेगी जो अंडर प्रिविलेज गरीब लोग हैं, औरतें हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए फ्री में विग बना के उन्हें दिया जाएगा। इससे उनको ट्रीटमेंट में हम और सहायता कर सके नहीं कर सके, लेकिन ये विग उनकी लाइफ में काफ़ी चेंज ला सकता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकता है और ट्रीटमेंट के लिए उन्हें पॉजिटिव एटीट्यूड दे सकता है। तो ये मेरा तीसरा प्रयास है। इससे पहले मैं एक बार 24 इंच बाल दे चुका हूँ, एक बार 12 इंच दे चुका हूँ, इस बार मैं 12 से ऊपर कर देंगे। चलिए बहुत अच्छी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सी अनुराग भंसाली है। आई एम आल्सो कंप्लीटिंग माय एलएलबी नाउ। ओके राइट। आपका कोई चैनल वगैरह कुछ इसमें कुछ है कुछ? ओके चलिए, बाकी मैं बता देंगे। सर का ही बेटा है जो मैंने बताया था, ठीक है। ये फादर एंड सॉन है, देखने में भी लुक्स एक जैसा है, बाकी मैं वीडियो में बता दूँगा।